दोस्तों, फोन हो चुका है ये बहुत सस्ता और इस प्राइस पे ये बन गया है अपने प्राइस का एक बहुत ही परफेक्ट वाला फोन। हाँ, कुछ चीजें आपको माइंड में रखकर चलना होगा, ऐसा नहीं है मैंने कह दिया तो आप चल दिए फोन को लेने। आपके इतने कमेंट्स आए हैं इस फोन को लेकर तो मुझे ये वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर आनी पड़ी है। मैं करूंगा यहाँ पर सिर्फ मुद्दे की बात। देखो, ऑन पेपर आप देखेंगे ना, आपको लगेगा बहुत बढ़िया ये कैमरा सेटअप मिल रहा है हमें 108 मेगापिक्सल का। इसके कैमरा को लेकर एक बात बिल्कुल क्लियर है, मैं यहाँ पर फूल पत्ती डिटेल में जाकर कंपेयर नहीं करने वाला, मैं आपको दिखा रहा हूँ पिक्चर कि एक आम इंसान पिक्चर को कैसे देखता है। तो ऐसे आप पिक्चर देखेंगे आपको अच्छी लगेगी, लेकिन जब आप पिक्चर को जूम करेंगे तब आपको यहाँ पर 108 मेगापिक्सल वाली कोई बात देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर आप गलत मत समझना, कैमरा फोन का एक नॉर्मल यूजर के लिए बहुत अच्छा है, इतना मैं आपको यहाँ पर कह सकता हूँ। 15,000 के अंदर तो बहुत अच्छा कैमरा ये मिल ही रहा है। और जहां तक बात है इसके फ्रंट कैमरा के बारे में ना, उसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डिटेल्स उतनी अच्छी है कैप्चर नहीं कर पाता भाई, कलर्स वगैरह को ये बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर पा रहा है। और जहां तक वीडियो की बात है, अगर आप नॉर्मल वीडियो कैप्चर करते हैं तो आपको ठीक लगेगा, जहां आपने थोड़ी फास्ट मूवमेंट करी, आप भागे वीडियो कैप्चर कर रहे हैं या कुछ ऐसी मूवमेंट हो रही है, तब ये पूरी दुनिया हिला जाता है बैकग्राउंड में। देखो कितनी ध्यान से वीडियो को देख रहे हो आप, वीडियो देख रहे हो ना ध्यान से, सब्सक्राइब बटन है नीचे उसको सब्सक्राइब करके जल्दी से रेड को ग्रे कर दीजिए। मैंने देखा है एनालिटिक्स में काफी लोग हैं जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। ये जो ग्राफ है ना, इसको मैं अब बिल्कुल बदल देना है, तो आप करो सब्सक्राइब, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसके बाद सबके माइंड में एक ही डाउट चल रहा है, 4G फोन है आज की डेट में हम कैसे बाय कर लें। देखो इस फोन में मेरा किलो G99, 4G 5G की हम बात करेंगे, पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस फोन की तगड़ी है, आप कोई भी यहाँ पर काम करोगे आपको मजा आएगा, कैजुअल गेमिंग भी आप स्टेबल तरीके से यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साथ में प्लस पॉइंट रहता है मोटोरोला का, यहाँ पर थिंकशील्ड सिक्योरिटी मिल जाती है। अब यहाँ पर स्टेबल परफॉर्मेंस है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, वो है इसका यूजर इंटरफेस। यहाँ पर सुपर क्लीन यूजर इंटरफेस है, जहाँ पर आपको कोई फालतू के ब्लोटर इंस्टॉल करके नहीं दे रखे हैं। साथ में कस्टमाइजेशन की अगर आपको टेंशन हो रही है ना, आपको सभी मेन मेन ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी ये सारा मजा आप ले सकते हैं इसके डिस्प्ले के साथ, बिकॉज डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है। एक तो बेजल्स यहाँ पर बहुत कम है, आप देख सकते हैं ऐसे बेजल्स रखे गए हैं कि चारों साइड से आपको एक सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। यहाँ पर यूज किया गया है पी ओलेड डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। अब आप में से काफी लोग कह सकते हैं पी ओलेड किस चिड़िया का नाम है। देखो यहाँ पर जो डिस्प्ले आपको मिल रहा है ना, वहाँ पर जो आपको एक लेयर लगाई जाती है वो प्लास्टिक की लेयर लगाई जाती है। जो नॉर्मल एमोलेड डिस्प्ले रहते हैं वहाँ पर होता है ग्लास की लेयर, जिसमें क्या रहता है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती है, ये फ्लेक्सिबल रहती है। तो अगर मान लो आपका फोन गिरता है तो ये ड्रॉप प्रोटेक्शन यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, लेकिन स्क्रैचेस आपको यहाँ पर ज्यादा मिलते हैं। तो जब भी आप फोन बाय करो आप यहाँ पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लीजिएगा। भाई क्वालिटी को लेकर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मस्त वाली क्वालिटी आपको मिल जाती है। भाई कलर प्रोटेक्शन वगैरह कमाल का यहाँ पर है, बिल्कुल भी कलर शिफ्ट या कलर टिंट जैसी दिक्कत इसमें नहीं है। तो कमाल की बात यह है, अगर आप इसको आउटर में यूज करते हैं ना डायरेक्ट सनलाइट में, आपको यहाँ पर मिलती है पीक ब्राइटनेस 1300 नीट्स की, जो कि बहुत बड़ी बात बन जाती है। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले के अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, जो कि फास्ट है स्टेबल है। बाकी डिजाइन और बिल्ड की अगर बात करते हैं तो मस्त है यार, हाथ में लेते हैं आपको प्रीमियम फील होगा। लेकिन यहाँ पर ग्लास बिल्ड क्वालिटी नहीं है, यहाँ पर एक्लेरिक ग्लास यूज किया गया है, जो प्लास्टिक की आप कह सकते हैं लेकिन क्वालिटीज की नॉर्मल प्लास्टिक से थोड़ी बेटर रहती है। हाथ में लेके आपको ये चीज फील हो जाएगी, और काफी स्लिम और लाइटवेट ये फोन है, यूज करने में बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है। इसका जो वेट है वो है 160-170 ग्राम के आसपास, जो कि बहुत ही सही माना जाता है। बाकी स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर है, जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं। कॉल क्वालिटी को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, बहुत ही बढ़िया ईयरपीस वगैरह आपको मिल जाता है। बैटरी 5000mAh की है, जो कि अच्छा परफॉर्म करती है, इसको फुल चार्ज होने में टाइम लग जाएगा 33W के चार्जर के साथ 1 hour 10-15 मिनट के आसपास, और इसमें आपको बैकअप मिल जाएगा आप लगा लो 1.5 दिन के आसपास। अब आती है सबसे बड़ी बात कि 4G वर्सेस 5G, ये एक 4G स्मार्टफोन है, जो कि मैं मानता हूँ मोटोरोला ने थोड़ी गलती की है। आज की डेट में 5G जब आने वाला था तो इसमें 5G हमें देना चाहिए था फोन में। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो 5G को पूरी तरह से स्टेबल होने में 3-4 महीने का भी टाइम लग सकता है, और अगर आप कहीं और रह रहे हैं फिर तो आपको 5G स्टेबल मिलने में बहुत टाइम अभी लग जाएगा। ये चीज आप एक तो माइंड में रखकर चलिएगा। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने फोन में 5G यूज करता हूँ, 1.5 GB डेली का डेटा मुझे मिल जाता है। ऐसे में अगर मैं 5G को ऑन करूँ तो 1.5 GB कब खत्म होता है ये पता भी नहीं चलता। तो अपने माइंड को प्रिपेयर रखिएगा अगर आप 5G फोन ले रहे हैं, कि डेटा आपको बहुत ज्यादा चाहिए होगा प्रॉपर तरीके से 5G यूज करने के लिए। और हाँ, आपके बहुत कमेंट मिले हैं इस फोन की सर्विस को लेकर, फोन की क्या मोटोरोला की सर्विस को लेकर। देखो यहाँ पर कुछ दिक्कतें तो आएंगी आपको, बिकॉज मैंने दिल्ली में चेक किया, पूरी दिल्ली में 3 सेंटर दिख रहे हैं इनकी साइट पर, जो बाकी दिख रहे हैं ना गूगल पे उनका कॉल करते रह जाओगे, कोई कॉल पिक नहीं होगा, होगा तो रॉन्ग नंबर आपको बता दिया जाएगा। मेन 3 सेंटर्स हैं, मैं आपके सामने इनको कॉल करता हूँ,
तो देखते हैं क्या है सर्विस हमें दे रहे हैं। हेलो, हाँ जी, मोटोरोला सर्विस सेंटर, हाँ जी। सर मुझे ना, मैं यूज़ कर रहा हूँ मोटो जी 72। ओके। इसका डिस्प्ले खराब हो गया, लाइन जाने डिस्प्ले पे, फोन गिर गया था। तो वो चेक करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी आईडी नंबर देना पड़ेगा। ओके 35। ओके One eternity later. मेरा ये 35 पर अभी स्टॉक में नहीं है। तो कब तक स्टॉक में आएगा? टाइम लगेगा, फ्रेंचर डिपॉजिट करना पड़ेगा, 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा। ओके ओके, और अगर इसका बैक ब्रेक होती है तो उसके लिए क्या टाइम लगेगा? बैक भी ब्रेक हो तो दोनों के साथ में ही लगा देंगे। और क्या प्राइस रहेगा इसके डिस्प्ले का? ऊपर से बस ग्लास ब्रेक हुआ है, ग्लास 79,000। और बैक का चार्ज क्या है सर? वो विजिट करेंगे तभी बता दूंगा। ओके, काम कर रहा हूँ, सर्च करना पड़ेगा। ओके थैंक यू। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो यहाँ पर दो चीजें देखने को मिली हैं। पहली चीज, इन्होंने जब मैंने कॉल किया, मैंने जब इनको अपना इशू बताया तो उन्होंने कहा एक बार होल्ड कीजिए, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। पहले तो उन्होंने ये बात बोल दी, फिर उन्होंने डिस्प्ले का तो रेट बता दिया मुझे, और बैक के लिए मैंने पूछा, उन्होंने कहा मैं काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ, यहीं अगर बात करनी पड़ेगी आपको। ये चीज थोड़ी अजीब लगी है मुझे। बाकी डिस्प्ले स्टॉक में नहीं था, 4 दिन बाद फिर स्टॉक में आएगा। आपको आइडिया लग गया होगा अगर आपके एरिया में कम सर्विस सेंटर है तब क्या हाल होने वाला है। तो ये कंप्लीट पैकेज है, आप बताओ मुझे कमेंट्स में अब आप इसके बारे में क्या कहते हैं। मैं आपको ये कहूंगा, अगर आप कोई बजट का फोन ले रहे हैं तो 4G 5G के चक्कर में आप मत भागिए। आप ये देखिए फोन की स्पेक्स कैसी आपको मिल रही है, क्या आपका काम सही चलेगा यहाँ पर। तो इस चीज के लिए मैं इसको कहूंगा एक बैलेंस स्मार्टफोन। जब इसका प्राइस 19,000 था तब मैंने खुद कहा था भूल जाओ, इग्नोर मारो। अब इसका प्राइस 15,000 है तो मैं ये आपको कह रहा हूँ ले सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।